स्थिर चरणिकर व्याप्यभिर्व्याप्य लोकान् भुक्ता भोगान् स्थविष्टान् पुनरविधीशन्वासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् सविति मधुरभुम् मायया भोजयन्नो माया संख्या तुरीयं परम अमृत अजम ब्रह्म यत्तन्नतो अथर्ववेदीय मांडुक्य उपनिषद के चतुर्थ अलग शांति प्रकरण के ऊपर विचार करते हुए जब पूर्ववादि के ऊपर सिद्धांति पक्ष बोल रहे हैं कि जन्म होना संभव नहीं, मुख्य रूप से इस चीज पर न कस्य जायते जीव संभव अस्य न विद्यते एतत् उत्तमं सत्यं यत्र किंचित् न जायते। ये जो प्रतीक बाबू को दृष्टान्त वगैरह समझाने के लिए वेदांति तो अलग शांति प्रक्रिया को दृष्टांत के रूप में, मतलब अलग में मशाल में कोई आकार की उत्पत्ति नहीं होती, ना कोई नाश होता, मतलब आकार की घूमने से आकार की प्रतीति होती है। ये जब कहा तो पूर्ववादी एक बात ही बोलते हैं, सत्य जन्म कई कहते हैं असत्य जन्म दोनों को घिरा दिया, तो बोलते हैं कि तुम कहते तो कोई सत्य जन्म नहीं हो सकते, एक कहते असत्य जन्म नहीं हो सकते, यानी कि जन्म होना ही संभव नहीं है, ये बात मंदिर देती है। तो फिर पूर्वाद दर्शन आके खड़े बोलते नहीं नहीं हमारे सिद्धांत तो सुनो ठीक से, क्या धर्म धर्म से शरीर उत्पन्न होता है, इसलिए उससे आगे चलते हैं और शरीर कर विधायक धर्म धर्म रहेगा। बोले तो अब तो और गए तो कौन सा पहले निर्णय करके दिखा, फिर वेदांत वो बोलते हैं कि देखो जैसे ये तुम जैसा मानते हो इससे क्या हो जाएगा, तीन दोष पुत्र जन्म की ध्रुवता, यदि बोल तो साथ साथ उत्पन्न होता है तो असंबद्ध विषाणु, इसलिए और फलाद उत्पन्न नशा हेतु पर जो पहले से विद्यमान नहीं है, मतलब हेतु से उत्पन्न होकर फिर वो हेतु के लिए कारण बन जाए, ये होना भी संभव नहीं। ये तीन कारण से जो है आपका जो सिद्धांत तो सही नहीं है। तब बोलता आपने हमारी बात को समझा ही नहीं, देखो सभी बातें मानते हैं क्या, बीज अंकुर नहीं, ठीक है ना, जो अंकुर से बीज होते हैं, बीज उत्पन्न हमने कब कहा कि इस बीज से जो अंकुर उत्पन्न होते ये अंकुर से उत्पन्न होते हैं, इससे जो भिन्न अंकुर उत्पन्न होते हैं, मतलब जिस गुठली से जो आम के पेड़ उत्पन्न हुआ उसी आम के पेड़ से उसी गुठली थोड़ी उत्पन्न होगा, दूसरे गुठली उत्पन्न भी उत्पन्न होगा, ये तुमने हमारे सिद्धांत को समझा ही नहीं। बोलते भाई तुम जो बोल रहे हो ठीक है, परंतु ये अभी भी हमारे सिद्धांत के अनुसार, मतलब ये अभी भी शांत समय है, मतलब ये अभी तक सिद्ध नहीं हुआ, ये अभी तक सिद्ध नहीं हुआ, बीज और अंकुर में कौन पहला ये निर्णय करके कोई बता पाएगा। और फिर दूसरे बात क्या करते, तुम अनादि अनादि बोलते हो, जब बीज को भी उत्पत्ति होते हुए दिखाई दे रहा है और तुम्हारे वृक्ष को भी उत्पत्ति होते हुए दिखाई दे रहा है, अनादि कैसे हो सकता है, ठीक है ना। कल हम लोग इसको लेकर 20 नंबर श्लोक को पढ़ रहे थे ना, पूरा नहीं हुआ था, श्लोक को एक बार पढ़ेंगे एक साथ मिलकर। बीजाङ्कुराख्यकृष्णान्तः सदा साध्यसमहिषः न हि साध्यसमहेतुः सिद्धौ साध्यस्य युज्यते। बीजाङ्कुर नामक जो दृष्टान्त आपने दिया वो तो अभी हमारे लिए संदिग्ध है, सदा साध्यसमहिषः जिसको संदिग्ध संदेह को लेकर के कहता है इसमें है कि नहीं, ये तो साध्य के समान हो गया, सिद्ध नहीं है साध्य है। और जो संदिग्ध वस्तु है वो किसी वस्तु को सिद्ध करने के लिए समर्थ नहीं होता, अपना कोई वस्तु जिसमें अपने आप संदेह है वो कोई वस्तु को सिद्ध करके दिखाने के होना संभव नहीं, साध्य सम हेतु या हेतु शब्द करते हैं दृष्टान्त, मतलब संदिग्ध दृष्टान्त वो अपने अभिष्ट वस्तु को सिद्ध करने के लिए समर्थमान नहीं होता। इसको देखिए पढ़ते हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे, पेज 160 में लास्ट लाइन देखिए, एवं पूर्व पूर्व अंकुर बीजम च पूर्वम पूर्वम आदिमन एवं इति लास्ट लाइन भाष्यपुर है ना। इस प्रकार से जो ठीक आगे यदि उत्तर की तरफ देखोगे अथवा पूर्व की तरफ देखोगे, मतलब आगे के आगे आपको क्या दिखाई दे रहा है, कोई भी बीज भी उत्पन्न हो रहा है और तुम्हारा हेतु भी उत्पन्न हो रहा है, कारण भी कार्यकारण, मतलब हेतु और फल दोनों एक के बाद एक क्रम से उत्पन्न, ठीक इसी प्रकार पीछे की तरफ जाओ तभी देखोगे आपको कि दोनों की उत्पत्ति होते ही दिखाई दे रहा है। इस समय जिस बीज से ये वृक्ष उत्पन्न हो बीज भी किसी से आया हुआ है,
आप जो देश से आया है वो भी किसी वृक्ष से आया हो, वृक्ष से वो भी किसी आया हो, इस प्रकार पीछे पीछे भी जाओगे तभी आपको हर जगह पर आदिमान ही दिखाई देगा, सब उत्पत्ति हिनारा दिखाई देगा और आदि कहाँ से हो जाएगा सबसे। इसलिए बोलता है एवं पूर्व पूर्व अंकुर बीज पूर्व पूर्व आदिमात एवं प्रत्येक प्रत्येक जो है शुरू आरंभ वाला है। सर्वस्व बीज कर जातस्य संपूर्ण बीज को जात जो मतलब जितना भी एक कैटेगरी में बीज रख दो, एक कैटेगरी में अपने अंकुर रख दो, वृक्ष रख दो, चाहे वृक्ष जात हो चाहे बीज जात हो, ये सभी जो है उत्पत्ति कैटेगरी में आते हैं, उत्पत्ति कैटेगरी में आते हैं। तो तुम ये बोलते हो कि सिद्ध उत्पन्न नहीं होता, तो तुम अपने को सिद्ध करके दिखाओ, तुम सिद्ध करके दिखाओ। अब बताओ कि जो शिव जी नहीं आया यहाँ पर आज, तो क्या सिद्ध करके दिखाओ? अपने आप सिद्ध है नहीं है, सभी को दिखाई दे रहा है, तो क्या सिद्ध करोगे? इसके लिए क्या प्रमाण चाहिए? जब जो नहीं है दिखाई नहीं दे रहा है, चले नहीं है तो हमें तो प्रतीति हो रही जगत की, और वो तो भ्रांति प्रतीति है। इस प्रकार मान लीजिए हमने लगा पढ़ाते पर आसान किधर देखा तो भाई नहीं प्रतीत बैठते हैं रोज ये देखा, तो ये जो प्रतीति है वो तो भ्रांति से भी हो सकती है। और इसकी उत्पत्ति जो है रज्जु के ऊपर सर्प की उत्पत्ति कभी नहीं होती, प्रतीति होती है, हम उसका निषेध नहीं करते, प्रतीति होने दो। और क्या होता है बोलो, कौन पहले उत्पन्न होता है? रज्जु पहले उत्पन्न होता है कि सर्प पहले उत्पन्न होता है? रज्जु के ऊपर जब सर्प दिखाई दोगे तो रज्जु पहले उत्पन्न हो तो सर्प पहले उत्पन्न, दोनों एक साथ दिखाई देता है, दोनों एक साथ दिखा। हमारे यहाँ पे अधिष्ठान की भी उत्पत्ति नहीं है, और अधिष्ठान के ऊपर दिखाई दे रहा है जब उसका भी उत्पत्ति नहीं है, और तो मतलब उस नाम रूप के साथ वो अधिष्ठान भी दिखाई दे रहा है, अधिष्ठान नित्य है, अधिष्ठान नित्य है, उसकी उत्पत्ति नहीं है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो पाए? उत्पत्ति के बारे प्रति हमारी है प्रतीति होती रहती है। इसके यहाँ पे बोलते हैं बीज व्यक्ति ही, इसको इसको पढ़ लेते, बीज व्यक्ति अंकुर व्यक्ति एक बीज व्यक्ति एक अंकुर व्यक्ति, बीज हो गया कारण अंकुर हो गया कार्य, उक्त प्रकारे न इस प्रकार से अनादित्य जो आपने बोला कि अनादि है अनन्य कारण अनुपत्ति और एक दूसरे के लिए कारण बनता है, ये युक्तिसंगत नहीं होने के कारण यहाँ पे सृष्टि होना संभव नहीं है। यहाँ तक जो है बोल दिया था अनुपत्ति और अनादित्य अनुपत्ति। सात नंबर टिप्पणी में क्या होता है अनन्य कारण व्यक्तियों यत कारणम न स तत्कार्यम यत कार्यम न स तत्कारणम इति अर्थ। इस पंक्ति टिप्पणी तो कल नहीं पढ़ते हमें, हैं टिप्पणी नहीं पढ़ते कल इसको ना पढ़ रहे हैं। बोलते देखिए अनन्य कारणत्वस्य भी एक दूसरे के लिए कारण बनता है, ए के लिए मतलब बी के लिए कारण है ए, फिर बी ए के लिए कारण है बी, इसलिए आप बोलते हैं व्यक्तियों कोई व्यक्ति इंडिविजुअल कोई इंडिविजुअल जत कारणम वो इंडिविजुअल जिसके मतलब जिसका कारण है न सतत कार्य वो उसका कार्य नहीं हो सकता। मतलब ए नामक व्यक्ति बी नामक व्यक्ति का कारण है, इसलिए ए बी का कार्य नहीं हो सकता, ए सी होगा बी का। हाँ ठीक है ना, देखिए वहाँ पे व्यक्ति हो व्यक्तियों के जत कारण किसी व्यक्ति का जो कारण है जत कारणम न सतत कार्य उस ए बी नामक व्यक्ति का जो कारण है ए वो ए बी का कार्य नहीं हो सकता, ए का कार्य नहीं हो सकता। अच्छा जाच जत कार्यम और जो जिसका कार्य है जाच जत कार्यम न सतत कारण, मतलब जैसे बी के लिए बी का कार्य हो गया सी, तो सी क्या हो जाएगा बी का कारण नहीं बन सकता। ठीक है, इसको पंक्ति को लगाने के लिए पहले दृष्टांत को मन में बैठा लो। व्यक्ति और जत कारणम न सत, जिस व्यक्ति का जो कारण है जिस व्यक्ति का बी नामक व्यक्ति का जो कारण है ए वो क्या होता है न सतत कार्य, वो बी का कार्य नहीं हो सकता है, ए बी का कार्य नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार से जा च जत कार्यम और जो बी का कार्य है सी, जा च जत कार्य मतलब जिसका जो कार्य है मतलब बी का कार्य है सी न सतत कारण, सी बी का कारण नहीं बन सकता, का कारण नहीं बन सकता। पुत्र से पुत्र जन्म है, पुत्र से पुत्र दूसरा है दूसरा होगा मतलब वो नहीं हो सकता, इसलिए आप बोलते हैं लेकिन ए सी का भी कारण हो सकता है, ए सी का कारण हो सकता है, ए बी का कारण है, ए बी का कारण है, बी सी का कारण, बी सी का कारण है, ए सी का कारण हो सकता है, ए सी का कारण सीधा सीधा कारण नहीं हो सकता, बीच में तो बी आ गया ना,
ग्रैंडफादर था उसी लिए ग्रैंडफादर से सन पैदा हुआ ग्रैंडफादर से फादर और फादर से सन पैदा हुआ तो ग्रैंडफादर इज नॉट डायरेक्टली कॉज फॉर द ग्रैंडसन डायरेक्ट कॉज नहीं है इनडायरेक्ट परंपरा से कारण है तो हम बोलते हैं ठीक है इसलिए बीज व्यक्ति अंकुर व्यक्ति उक्त प्रकार अनादित्य अनन्य कारण तस्वीर ये एक दूसरा अनादि भी होगा अनन्य कारण होगा ये होना संभव नहीं है ये यहाँ पे अधिजो होना पड़ेगा इति शेष अनुपत्ति इति शेष उक्त जो उपाय ना कश्य चीज अनादित्य अनुपत्ति किसी का भी अनादित्य होना संभव हमें सामने दिखाई दे रहा है कि बीज की उत्पत्ति दिखाई दे रहा है वृक्ष की उत्पत्ति दिखाई दे रहा है बीज की उत्पत्ति दिखाई दे रहा है पिता का भी उत्पत्ति दिखाई दे रहा है पुत्र का भी उत्पत्ति दिखाई दे रहा है इसलिए अनादित्य नहीं हो सकता एवं हेतु फलाना ठीक है ना एवं हेतु फलाना भी आज का पाठ शुरू होगा 25 इस प्रकार से बीज अंकुर में हमने दृष्टांत दिया उसी प्रकार हेतु और फल मतलब क्या हो जाएगा अदृष्ट और शरीर ठीक है ना उसे देखिए एवं मतलब बीज अंकुरवत बीज और अंकुर दृष्टांत के द्वारा आप समझाना चाहते थे जैसे बीज और अंकुर में कोई एक दूसरे का मतलब उत्पत्ति के लिए आत्मार्थ कारण नहीं बन सकते आप निर्णय नहीं कर सकते कौन पहले ठीक उसी प्रकार से हेतु फलाना मतलब अदृष्ट संघाताना ठीक है हेतु हो गया अदृष्ट धर्मा धर्म अदृष्ट और उसका फल हो गया शरीर संघात यानी इसमें भी जो कार्य कारण भाव निर्णय करना मुश्किल है आप निर्णय नहीं कर सकते कौन पहले आप निकल के नहीं बोल सकते हैं और धर्मा धर्मों का मतलब धर्म और अधर्म मतलब जो आचरण है इससे शरीर होता है धर्मा धर्म के जो संस्कार आता है उसी से अगला शरीर प्राप्त होता है शरीर प्राप्ति के लिए मैं इसीलिए यहाँ पर अदृश्य शब्द प्रयोग किया दिखाई नहीं दे रहा अदृश्य ये पूर्व मीमांसा बोलता है या वेदांत पूर्व मीमांसा बोलता है वेदांत की पारमार्थिक सिद्धांत तो उत्पत्ति नहीं है अब जब हम उत्पत्ति मानते हैं तब हम पूर्व मीमांसा की व्यवहार है तो भट्ट न हमारे वेदांत में कथा है कि व्यवहार काल में जब हम व्यवहार को लेकर बोलते हैं तो कुमार भी भट्ट के नेतु हम फॉलो करते हैं पूर्व मीमांसा चलिए व्यवहार है तो भट्ट न उसको हम मानते हैं व्यवहारिक स्थिति में पारमार्थिक स्थिति में हमारा कोई व्यवहार नहीं है हमारे अपने सिद्धांत में कोई अकेले में कोई व्यवहार नहीं है जब व्यवहार लेके चलते हैं मतलब धर्म कुमार भट्ट का न्याय मतलब सुरेश्वर का न्याय ना सुरेश चंद्र जी मंडन मिश्र भी नहीं मंडन कुमारी भट्ट अपने आप जो पूर्व मीमांसा दर्शन का आचार्य सबर भाष्य कुमारी भट्ट के वार्तिक है कुमारी भट्ट की वार्तिक है पूरा पूर्व मीमांसा दर्शन के ऊपर पूर्व मीमांसा दर्शन के सूत्र है जैमिनी उसके ऊपर तुम्हारे सबर भाष्य भी है और कुमारी भट्ट की वार्तिक है उसको ये फॉलो करते वेदांती बोलते हैं जब हम व्यवहारिक शिष्ट व्यवहारिक जब उसमें हम कुमार भट्ट की नीतिक सिद्धांत को मानते हैं तो समझो अब जो है कल्पनांतरम उत्थापित अब जो है आपने जो है हमारी चीज को पूरा नहीं समझ पाए अब हम एक नया चीज बोलना चाहते हैं ठीक है बीज और अंकुर सब आदिमान है परंतु बीज संतति और जो है अंकुर संतति ये अनादि है ये संतति प्रभाव रूप से ये अनादि है ये पूर्व मीमांसा दर्शन का ही एक वही बोल रहे हैं कल्पनांतर उत्थापित एक मतलब जब देखा कि बीज और अंकुर दोनों तो आदि दिखाई पड़ रहे हैं तो एक दूसरा कल्पना करें दूसरा कल्पना मतलब इसी को सहारा लेकर इसी को बीज अंकुर को संतान और संतति संतति मतलब कंटिन्यूटी और परंतु जिस प्रकार मान लीजिए एक चेन आपको दिखाई दे रहा है वो चेन जो है वो एक पूरा दिखाई दे रहा है वो चेन कैसे बना एक परिस्थिति तो एक है संतान जब आप बोलते वो संतति के बिना कैसे हो पाएगा इसीलिए जब संतति भी वो सिद्ध नहीं हो रहा है संतति सिद्ध नहीं हो पा रहा है तो संतान कहाँ से सिद्ध होगा मतलब उसका फ्लो प्रभाव से नित्य है ये कैसे बोल सकते हो इसको बोलने के लिए देखिए कल्पनांतर उत्थापति उष्ट कल्पना को उठाते हैं अब इस पर अथ ठीक है ना अथ बीजांकुर संतते अनादिमत्तम इति चेत बीज और अंकुर की जो संतति है ना जो धारा है क्या ना जो धारा है संतति संतति जो संतति का संतति जैसे जैसे पिता पुत्र की जो संतति है तो धारा है ना वो जो है अच्छा बताओ पिता पुत्र की संतति तो धारा को तो हमको समझ में आता है परंतु ये धारा क्या पिता और पुत्र को छोड़ करके अलग करके कोई दिखाई देता है कोई वस्तु यहाँ पे आसान समझ में आ जाएगा
एक ट्रेडिशनल ये चल रहा है, पिता पुत्र पिता पुत्र पिता पुत्र ऐसा आ रहा है। अब इस पिता पुत्र में दोनों ही आदि हैं, पिता का भी पुत्र पुत्र को। अब जो पिता पुत्र को छोड़ करके पिता पुत्र की जो धारा चलता है, ये एक अलग अनादि वस्तु को या मन सिद्ध कर सकते हैं। इससे अलग करके भी इसका कोई अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा, तो पिता पुत्र का ही परंपरा। पर पिता पुत्र भी जब सिद्ध नहीं हो रहा तो अनादि धारा कहां से सिद्ध होगा? ये अभी हमारे मन में प्रश्न आ रही है उत्तर। इसलिए बोलते हैं अथ बीज अंकुर संतति, बीज और अंकुर की जो धारा है संतति है वो अनादि मत, वो अनादि है। इति चेत यदि हम ऐसा कहें तो, यदि हम ऐसा कहें तो न, आप ये नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? एकत्व अनुपपत्ते है, ये बीज और अंकुर को छोड़ करके संतति नामक कोई एक वस्तु अलग ऐसा करके दिखाई होता है, युक्ति संगत नहीं ऐसा कहना। बीज और अंकुर को छोड़ करके मतलब संतान को छोड़ करके संतति एक अलग वस्तु है ऐसा करके सिद्ध ही नहीं हो सकता। संतान को छोड़ करके संतति अलग वस्तु सिद्ध है, एक अलग कोई वस्तु सिद्ध ही नहीं कर सकती। एकत्र संग्रहवाक्य है, इसका व्याख्यान करेंगे ये आपका कथन सही नहीं है, क्योंकि ये बीज और अंकुर को छोड़ करके संतति नामक कोई एक अलग वस्तु अकेला कोई वस्तु सिद्ध ही नहीं अनुपत्ति, ये हमारे अभिप्राय है। उसी को समझा रहे संग्रह बाबू का व्याख्या करते रहिए। नहीं बीज अंकुर व्यतिरेके न, बीज अंकुर संतति है नाम एका अभ्युपगम्यते, ठीक है, कमा करते हैं। मतलब बीज और अंकुर को छोड़ करके, बीज और अंकुर को छोड़ करके, बीज और अंकुर से बना हुआ एक संतति, एक कोई एक संतति वो अलग है ऐसा करके नहीं माना जाता न अभ्युपगम्यते, नौ के साथ अभ्युपगम्य। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, एकत्व अनुपपत्ते, क्योंकि सिद्धांत का बीज अंकुर व्यतिरेक है ना, बीज और अंकुर को छोड़ करके बीज अंकुर संतति है ना, बीज अंकुर की संतति का नामक कोई एक वस्तु है, संतति एक अलग वस्तु है न अभ्युपगम्य, कहीं मिलेगा नहीं है। कहीं पिता और पुत्र को छोड़ करके पिता और पुत्र की संतति की धारा चलता रहता है, कहीं होगा कोई अलग वस्तु आप दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते, कहीं नहीं दिखा सकते। इसी किसी प्रकार से हेतु फल संतति वा, जिस प्रकार यहाँ बीज अंकुर उसी प्रकार हेतु और फल, मतलब धर्म धर्म और शरीर हेतु और फल, ठीक है, धर्म धर्म संतति वा तद अनादित्ववादि भी, उस प्रकार हेतु मतलब ये संतति अनादि है, इस प्रकार बोलने वाले व्यक्तियों के द्वारा ये संतति नामक कोई एक वस्तु संतान को छोड़ करके अलग करके सिद्ध करके देखा दे होना संभव नहीं, ठीक है। सिद्धांत के पहले उत्तर दिया आपका ये कथन सही नहीं है ना, कस्मात एकत्व अनुपपत्ते है, मतलब एक संतानों को छोड़ करके संतति नामक कोई एक अलग वस्तु अकेला करके सिद्ध करके नहीं दिखा सकते। वो पहले बीजा को दृष्टांत दिया था, दृष्टांत में घटा करके दिखा करके दृष्टांत में कहा है, दो है, एक दृष्टांत हो गया बीजा को, दृष्टांत हो गया हेतु और फल, मतलब धर्म धर्म और शरीर, अदृष्ट और संघात, ठीक है, अदृष्ट और संघात। इसलिए आप बोलते हैं बीज अंकुर व्यतिरेके न, बीज अंकुर संतति नाम एक अभ्युपगम्यते न अभ्युपगम्यते, ठीक इसी प्रकार से हेतु फल संतति वा, हेतु और फल मतलब संघात और शरीर, संघात और अदृष्ट, इसका संतति तद अनादित्ववादि भी, ये सब अनादि है, इस प्रकार बोलने वाले वादि के द्वारा ये सिद्ध करके नहीं दिखा जा सकता, ठीक है। तत् शब्द से क्या लिया, देखो तत् शब्द तत् अनादित्व इति, संता संतान अनादित्व इति, संतान की अनादित्व है ना, इसलिए संतान अनादित्व इति अर्थ इसका विपरीत रहता है। तस्मात इसलिए भाष्यकार बोलते क्या बोलते हैं, इसलिए गौरपादाचार्य जो कहा ना ये बिल्कुल सही कहा, तस्मात सूक्तम हेतु फल अनादित्य बखंते रूप वर्णते है ना, तो एक तो नहीं हम देखे हेतु फल अर्थ अनादित्यम कथम ते रूप वर्णते है ना, वो दोनों अनादि है कैसे अप्रसिद्ध में। 19 नंबर, हाँ 19 नंबर एवं सतर्क असत्यम बुद्धि हेतु फल सत्य कहाँ बोला अच्छा अच्छा कथन किया, बोल पाला चाहिए सही बोला क्या, हेतु फल सच अनादि कथम तय रूप वर्णते, ये है नंबर 14 है सेकंड लाइन, ठीक है।
तो ये जो है गौर पदाचार्य सही बोला, ये कैसे हेतु वाली स्थगति को अनादि बोलता जा रहा है, मतलब अदृष्ट और संघात को अनादि तो कैसे बोल रहा था, है ना, इसकी धारा तथा च अन्नत अपि अनुपत्ति न छलमिति अभिप्राय। ठीक इसी प्रकार से कि जो आपने पहले तो उसका फिर बाद में आपने कहा इससे अलग, मतलब बीज से अलग, अंकुर अंकुर से अलग अलग फिर उत्पन्न होते, इस प्रकार जो अन्नत अपि अनुपत्ति दुष्ट भी एक युक्तिहीनता को जो कहा यहाँ पे न छलम, इसलिए जो आपने क्या कहा था, आपने हमारे साथ छल किया, छल किया मतलब मैं हमने कुछ अभिप्राय से कहा, आपने उस अभिप्राय को नहीं समझ करके आपने अभिप्राय से हमको उत्तर दिया कि पुत्र जन्म पितुर यथा अथवा जो संघात विषाणुवत असंबंध विषाणुवत इस प्रकार जो आपने कहा अथवा फलाद उत्पादमान से न हेतु भविष्य इस प्रकार प्रसिद्ध थी, इस प्रकार से जो आपने हमारे पक्षों को दोष दिया था ये छल किया आपने, तो यहाँ पे हम छल नहीं किया, हमने आपके अभिप्राय को समझ कर ही बोला। कुछ को देखिए पाँच छः सात नंबर का था, चार नंबर टिप्पणी छूट गया, चार नंबर टिप्पणी कहाँ पे है, तस्मा तस्मा पक्षद्वय असंभवादिति अर्थ, दोनों पक्ष संभव नहीं, दृष्टान्त पक्ष दृष्टान्त पक्ष दृष्टान्त दृष्टान्त जिस दृष्टान्त के द्वारा शब्द होता है प्रसिद्ध देश दोनों पक्ष पक्षोदय असंभव पक्षोदय मतलब अथवा दूसरा क्या हो गया, एक संतान पक्ष एक संतति पक्ष, ठीक है ना, एक संतान पक्ष हो गया बीज संतति पक्ष मतलब उसका धारा था, ये दोनों ही पक्ष संभव नहीं होने के कारण, और ये दोनों दिखा भी दुख नहीं घट रहे, मतलब आपका दृष्टान्त दृष्टान्त दोनों जगह पे आप उसको सिद्ध नहीं कर सकते। तथा अन्नत तथा च अन्नत, अन्नत बोलते हैं अन्नदिति मत उक्त दोष बीज व्यक्तो व्यक्तो मिथ कार्य कारण भाव अस्तयनम तद अभिमत अभिन्नम अपि इति अर्थ। ये अन्नत और विभिन्न क्या बोलते हैं, मत उक्त दोष बीजम है ना, हमारे द्वारा कहा गया है ये दोष का बीज है ना, दोष बीजम व्यक्त और मिथ हो, जो क्या विषय क्या है कि दो व्यक्ति में आपस में कार्यकरण भाव नहीं हो सकता, मधुक्तम मतलब हमारे द्वारा मधु शंकर सिद्धांति मधुक्तम हमारे हमारे द्वारा मधुक्त दोष अभिजम, क्योंकि हमें सिद्धांति बोलना है तथा च अन्न का अनुपत्ति न छल में, कौन बोल रहा है ये बात, हमने छल नहीं किया आपके बात को समझ, सिद्धांति बोल रहे हैं इसलिए हमें बोलते हैं अन्न दिखे मत उक्त दोष बीजम व्यक्त, हमारे हमारे द्वारा कहा गया कि दोष उसका बीज, उसका बीज क्या है कि आपस में दो व्यक्ति में कार्यकारण भाव नहीं हो सकता, ए और बी में ए हो गया कारण तो बी हो गया कार्य, फिर बी हो गया कारण तो ए हो गया कार्य, ये नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं मत उक्त दोष बीज व्यक्ति मिथ कार्य कारण भाव आश्रयनम, मिथ आपस में कार्य आश्रय तद अभिमत तद अभिमत भिन्नमति, आपके अभिमत से भिन्न होते हुए भी आपका अभिमत क्या है, आप ऐसा मानते हैं कि इस भी होते हुए भी हमने छल नहीं कि आपके अभिमत को समझ करके हम बोला जाए, ऐसा भी होना संभव नहीं, मतलब यदि तो आपका उनका अभिमत क्या था, जिस बीच से जो वृक्ष उत्पन्न हो रहा है उस वृक्ष से वो बीज उत्पन्न नहीं उसे भिन्न हो रहा है, कोई बात नहीं, इतना मन मानने पर भी अभिमत तो है दोनों, तो मनादि कैसे बोलते, अतः बोलते हैं कि संतति अनादि है, बोलते हाँ जो संतान में अनादित्य नहीं है संतति का अनादित्य कहाँ से आ जाएंगे, ये अभिप्राय से बोले आप, ठीक है ना, मद उक्त दोष बीज मतलब सिद्धांति उक्त दोष बीज के आपस में दो व्यक्ति में कार्यकारण भाव नहीं हो सकता, उसने क्या बोला था, हमने ये व्यक्ति में दो व्यक्ति में कार्यकारण भाव नहीं बोला, जिस कारण से जो कार्य उत्पन्न होता है उस कार्य से भिन्न कारण उत्पन्न होता है, मतलब कारण तो जाति तो वहीं पर है परंतु भिन्न होता है, ये जो कहा था आपका अभिमत को समझ करके हम बोल रहे हैं कि हमने छल करके नहीं बोला। अन्नदपि अनुपपत्ति अनुपपत्ति मतलब तत् अभिमतस्य संतान हो संतानयो कार्यकरण भाव से एक असंभवा देती है, ये तुम्हारा अभिमत है कि संतान वो मतलब एक बीज जाति और एक जो है आपका हेतु और फल जाति, एक बीज और एक अंकुर जाति, अब उसका अनादित्य हो जाएगा, अरे भाई जाति में अनादित्य कहाँ से आएगा, इसीलिए आप बोलते हैं कि त्वत संचयनम बटे में त्वत अभिमतस्य संतान हो, आपकी अभिमत जो संतान है वो संतान संतान में कार्यकरण भाव वहाँ पर जो कार्यकरण भाव दिखा रहे ये वो असंभव है, इस प्रकार कार्यकरण भाव होना संभव ही नहीं है, संतान जो है आपका संतान और संतति संत उधारा उधारा कहाँ से कार्यकरण भाव जब माना बीज जाति से आपका वृक्ष जाति और वृक्ष जाति से बीज जाति, ये जो आप बोल रहे हैं यहाँ जो कार्यकर्म कौन पहले बोलो, अभी बीज जाति पहले कि आपका कार्य जाति पहले वृक्ष जाति पहले बोलो, ठीक है एक में नहीं लगा पाया अब तो जाति में लगा देंगे, कहाँ से लगाओगे,
आप बोलो बीज जाति पहले है कि वृक्ष जाति पहले है, कौन जाति पहले है, ये निर्णय नहीं हो पाता। इसलिए तो यहाँ पे जो है जाति उत्पत्ति होना संभव ही नहीं, ये मत सबसे अच्छा है, तब लड़ाई झगड़ा से बच जाओगे। और ये सिद्धांत मतलब विक्षेप भी चला जाएगा न। इसलिए छः नंबर अनुपत्ति अभिमत संतान कार्यकरण भाव से व संभव नहीं असत त्याग नाम इति भाव है ना। तो हमने क्या बोलता है जो वस्तु है ही नहीं है ना उसका त्याग नहीं होता, होता तो त्याग होता, जो होना ही संभव नहीं है तो उसका त्याग नहीं। तो बोलते हैं ना ही असत त्याग नाम इति भाव, जो वस्तु नहीं है उसका त्याग है, मतलब जो होना संभव नहीं है हमने अपने सिद्धांत को छोड़ दिया, ऐसी बात नहीं है। तो जो है ही नहीं उसको क्या त्याग करेंगे, ये अभिप्राय है इति भाव। न छलम इति न तद अभिमत त्याग पूर्वक इतिहा, एक मतलब तुम्हारा अभिमत तो सिद्ध ही नहीं होता जब तुम्हारा अभिमत का तुमको त्याग करना पड़ेगा। यदि वो सिद्ध होता तब तो उसको तुमने त्याग कर दिया, वो सिद्ध ही नहीं होता त्याग, मतलब जो असत उसको क्या त्याग कर दे। इसीलिए हम छल नहीं किया आपके साथ, हमने आपके अभिमत को समझ करके ही बोल रहा हूँ। आपने पहले जो है वृक्ष और बीज को लेकर के बोले थे, आप बोलते उस वृक्ष से वो बीज उत्पन्न नहीं होता, तो नहीं होता तो वृक्ष जाति और बीज जाति मत। इसमें पहले तो ये बताओ कौन अनादि है, कौन पहले सिद्ध होता है, जब व्यक्ति में सिद्ध नहीं हो पाए जाति में कहाँ सिद्ध हो पाएगा। इसीलिए हमने आपके साथ छल नहीं किया, और ना कि हमने आपका सिद्धांत को त्यागने के लिए बोला। आपका सिद्धांत ही बना नहीं, यदि बनता तब हम आपको सिद्धांत को त्याग, यदि आप सिद्धांत को सिद्ध कर सकते तब आपको सिद्धांत की त्याग होती, जब सिद्धांत सिद्ध ही नहीं हो पाता है किसका करोगे त्याग किसको। इसलिए बोलते हैं कि न तद अभिमत त्याग पूर्वक इति अर्थ। इसलिए यह तथा च अन्नत अपि अनुपत्ति, दूसरे प्रकार से भी युक्ति संगत नहीं होने के कारण है ना कि हमने आपके साथ छल पूर्वक नहीं बोला। ये हो गया पहला लाइन का अर्थ हो गया यहाँ पर है ना। वीडियो को राग को दृष्टांत सदा साध समय सा, फिर न साध समय तो मतलब संदिग्ध जो दृष्टांत है ना, संदिग्ध जो दृष्टांत है वो अपने साध को सिद्ध नहीं कर पाए, इसको लेकर के बोलते हैं। न चाहे लोके साध सम हेतु, मतलब संदिग्ध कोई दृष्टांत हो, या फिर हेतु से क्या लेंगे दृष्टांत। पहले लाइन में क्या बोल कर गए बीज अंकुरा को दृष्टांत, ठीक है ना। यहाँ पे जो है प्रकरण दृष्टांतों को लेकर चल रहा है, आप अपने सिद्धांतों को पुष्ट करने के लिए दृष्टांत दिए थे, और आपने क्या बोला दृष्टांत तो असिद्ध है, हम मानते नहीं है। इसलिए होता है न चाहे लोके साध सम हेतु, मतलब जो संदिग्ध जो दृष्टांत वो साध्य सिद्ध हो अपने अभिष्ट वस्तु की सिद्धि में, सिद्धि निमित्त न प्रयोज्यते है ना, सिद्ध उसको सिद्ध करने के लिए उसको नहीं प्रयोग किया जाता है। प्रमाण कुशल ही, प्रमाण के ऊपर आश्रय करके चलने वाले व्यक्ति है ना, जो संदिग्ध कोई हेतु अथवा दृष्टांत हो उसके द्वारा साध्य को सिद्ध नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है ना। न चाहे लोके साध सम हेतु साध सिद्ध, मतलब संदिग्ध कोई दृष्टांत, साध सम हेतु साध का संबंध हो गया, संदिग्ध जो है वस्तु वो जो है दृष्टांत, संदिग्ध दृष्टांत साध सिद्ध अपने अभिष्ट वस्तु को सिद्ध में सिद्ध उसके निमित्त में सिद्धि निमित्त साध सिद्ध सिद्धि निमित्त साध सिद्धि के लिए जो निमित्त होता है दृष्टांत उसके लिए संदिग्ध वस्तु को प्रयोग नहीं किया जाता है, न प्रयोग जाते किसके द्वारा, प्रमाण कुशल ही, प्रमाण कुशल व्यक्तियों के द्वारा दर्शन के द्वारा ऐसे नहीं करते। प्रमाण पाठ बोलते हैं इति अर्थ, इसका विपरीत आठ नंबर मतलब साध्य समर्थ संदिग्ध, ठीक है ना। साध्य समर्थ हो गया संदिग्ध, हेतु मतलब हो गया दृष्टांत। यहाँ पे बोलते हैं हेतु इति दृष्टांत अर्थ अभिप्रेत, आपके हेतु शब्द का अर्थ दृष्टांत कहाँ हुआ, हेतु मतलब तो कारण होता है प्रयोजक होता है, आपने दृष्टांत कैसे ले लिया। सेकेंड लाइन में कार्य का कारण है हेतु शब्द प्रयोग किया, हेतु मतलब होता है प्रयोजक, इसके लिए ये प्रयोजन है, मतलब इस कारण से बोला जाता है। आपने इसका अर्थ क्या कर दिया दृष्टांत का, देख कैसे कर दिया। तो बोलते हैं हेतु रीति दृष्टांत, हेतु शब्द के अभिप्रेत अर्थ दृष्टांत अत्र अभिप्रेत कस्मात् गमकत्वात्, गमकत्वात् कहा के शब्द गमक क्या है, यहाँ पे पहले दृष्टांत प्रयोग किया बीजापुर, बीजापुर नामक दृष्टांत के द्वारा आप हेतु और फल में अनादि सिद्ध करना चाहते थे, इसीलिए यहाँ तो दृष्टांत ही लेना पड़ेगा एक शब्द के द्वारा है ना। हेतु रीति दृष्टांत अर्थ अभिप्रेत कस्मात् गमकत्वात्, नौ नंबर टिप्पणी गमकत्व मतलब बोधकत्व, गमकत्व गुण योगा मतलब बोधक, मतलब जैसे प्रकरण होता है ना जिसको लेकर के हमने विचार उठाया, तो आप जब हम उसके किसी को सिद्ध करेंगे तो उसी को ही सिद्ध करेंगे। आपने यहाँ पे दृष्टांतों को लेकर के अपने अभिष्ट को मतलब साध्य को सिद्ध करना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे जब हेतु शब्द प्रयोग किया वो दृष्टांत का ही बोधक होगा,
गमकर्ता, गमकर्ता गुणयोगा इस प्रकार बोधक के गुण से जुड़ा हुआ होने के कारण यथा गमक का मतलब बोधक, बोधक बोधक यथा हेतु साध्य गमकत्वम तथा दृष्टान्त अपि, जिस प्रकार हेतु के द्वारा हम साध्य को समझते हैं उसी प्रकार दृष्टान्त के द्वारा भी हम साध्य को समझते हैं। तथा हेतु को साध्य हेतु में क्या बैठा है, धुआं रूपी हेतु में जिसको बोध कराता है धुआं रूपी हेतु आप, हाँ ये होता है हेतु साध्य गमकत्वम पर्वत बनने माने में साध्य क्या धुआं धूमो के हेतु और बन्नी होकर साध्य धुआं धुआं रूपी हेतु में शब्द गमगत मतलब बुद्धि को बोध कराने का सामर्थ्य बैठा हुआ है। उसी प्रकार दृष्टांत में बैठा हुआ दृष्टांत का महानस है ना, यदि दृष्टांत होगा तो आप जाके समझ में आएगा। आपने बोला पहाड़ में आग है क्यों, क्योंकि यहाँ पे धुआं दिखाई पड़ रहा है तो आपको दृष्टांत देना पड़ता है। आपको कहीं ऐसा दिखाई दिया बोलते एक जगह मैंने कई बार दिखाई दिया मेरे को, जहाँ मैं रंधनशाला में जाता हूँ वहाँ जाके धुआं देख करके जाता हूँ, वहाँ ठंड के समय वहाँ थोड़ा आग से पकड़ भेज जाता हूँ। जितने दृष्टान्त तो भी है हेतु हम आपको अभिष्ट वस्तु को सिद्ध करने के लिए समर्थवान होते हैं दृष्टान्त तो भी ये होगी कैसे गमकत्व प्रतीत तो ही दृष्टान्त तो ना हेतु भाष्य का लिख रहे। देखो किसको लेकर विचार शुरू किया था हमने, बीजांकुराख दृष्टान्त तो सदा साध्य समय से, इसलिए यहाँ पे प्रतीत तो किसको लेकर के मतलब किसको लेकर विचार शुरू किया था दृष्टान्त तो को लेकर, इसलिए सेकेंड लाइन में जो हेतु शब्द प्रयोग किया उसको दृष्टांत ले रखा है। इसलिए बताया प्रकृत ही दृष्टांत न हेतु, यहाँ पे हेतु को लेकर के विचार शुरू नहीं किया, दृष्टांत को लेकर के समझाना चाहते थे इस अभिप्राय से। आप यहाँ पे टीका में देखिए टीका का क्या बोलते हैं, बीज संतते मतलब कल्पनांतर उत्थापय, ठीक है ना। यदि आप इसको नहीं मानेंगे बीज और अंकुर दोनों में किसी किसी एक को भी आप अनादि नहीं मानते हो और इसमें कार्यकरण भव नहीं हो सकता, ये यदि आप कहना चाहते हैं तो ठीक है, हम कल्पनांतर करते हैं कि इसकी संतति जो है अनादि है, इसी को बोलता था बीज संतते अंकुर संततेश्च अनादित्तम अनन्य कारणत्तम च अविरुद्धम सिद्धति, है ना। पूर्वादि होते बीज संतति है ना, बीज संतति बीज की जो धार है, और अंकुर संतति और अंकुर की संतति, बीज और अंकुर की संतति अनादित्व, उसमें दोनों में अनादित्य धर्म बैठा हुआ है ना। अनन्य कारणत्व च और एक दूसरे के लिए कारण भी बनते हैं, अविरुद्ध इसमें कोई विरुद्ध अविरुद्ध विरोध बिना सिद्ध होता है संतति का, ऐसा पूर्ववादी कहना चाहते हैं। बीज संतते अंकुर संततेश्च अनादित्तम, बीज संतति और अंकुर संतति मतलब बीजत्व जाति और अंकुरत्व जाति इसका जो धारा चलता आ रहा है वो जो क्या होता है कि अनादित्तम उसको अनादित्य धर्म दोनों की उत्पत्ति दिखाई दे रहा है, और अनादि कैसे बोल रहे इसीलिए होता है अनन्य कारणत्तम च, और बीज से अंकुर अंकुर से बीज अनन्य कारण अविरुद्धम, ये तो सभी मानते हैं इसको अविरुद्धम सिद्धति, यदि पूर्ववादी ऐसा कहते हैं अपने को स्पष्टीकरण दे रहे हैं। बीज जातियात अंकुर जातियम, बीज जाति से अंकुर जाति की उत्पत्ति होता है, बीज जातियात अंकुर जातियम फिर अंकुर जातियात बीज जातियम उत्पद्य मानव उपलब्ध है ना। एक एक कैटेगरी बीज कैटेगरी एक हो गया जाति, अब अंकुर कैटेगरी एक हो गया, तो बीजत्व जाति से अंकुरत्व जाति की उत्पत्ति, अंकुरत्व जाति से बीज की जाति की उत्पत्ति, ऐसा हमको दिखाई पड़ते हैं। अच्छा भाई यहाँ पे 10 नंबर टिप्पणी में क्या बोलता है, बीज जातियात इति बोल रहे, देखो आम्र बीज वृत्ति बीजत्व रूप जाति विशिष्टता रीत, ये आम का बीज है इस प्रकार जो मनोवृत्ति वृत्ति है बीज जातीयत्व रूप जाति बीजत्व रूप जाति, वहाँ पे के बीज में क्या बैठा रहेगा, घट में घटत्व बीज में बीजत्व मनुष्य में मनुष्य दो जाति वहाँ बैठा हुआ है, ये जाति अनादि है। इसलिए बोलता है आम्र बीज वृत्ति बीजत्व रूप जाति विशिष्टा रीति और बीजत्व रूप जाति है, उससे बीजत्व रूप जाति से अंकुर रूप जाति की उत्पत्ति होती है, बीजत्व रूप जाति से अंकुर अंकुर रूप जाति की उत्पत्ति होता है, फिर अंकुर रूप मतलब कारण से फिर बीज की उत्पत्ति होता है, ऐसा को कहना चाहते हैं। बीज जातियात अंकुर जातियम और अंकुर जातियात बीज जातियम उत्पद्य मानव उपलभ्यति उपलभ्यति तथैव हेतु जातियात फल जातियम और फल जातियाच हेतु जातियम, हेतु मतलब धर्माधर्म और फल हो गया संघात,
इसी प्रकार संघर्ष धर्म बटी उसी को बीज ऐसे बीज और अंकुर मतलब बीज जाति से अंकुर जाति और अंकुर जाति से बीज जाति की उत्पत्ति होती है। ठीक इसी प्रकार से क्या हो जाएगा अदृष्ट जाति से क्या हो जाएगा संघर्ष जाति और संघर्ष जाति से अदृष्ट जाति से उत्पत्ति होगी। में कोई विरोध नहीं है ऐसा हम कहते पूर्ववादी करते हैं। दृष्टान्ते दृष्टान्ते के च दृष्टान्त हो गया बीजंकुर दृष्टान्त हो गया संघात और अदृष्ट दृष्टान्त हो गया बीजंकुर और दृष्टान्त हो गया अदृष्ट और संघात च संतते एकस्य एकस्य व्यक्ति ही व्यतिरेक असंभवात माई वित दूषे चाहे दृष्टान्त कोटि में हो चाहे दृष्टान्त कोटि में संतति जो है ना वो एक एक व्यक्ति को लेकर के संतति होती है। व्यक्ति के बिना व्यक्ति की धारा संभव नहीं है। एक चेन में एक कड़ी का पूर्ण जगह चेन होना संभव नहीं है इसलिए चेन मतलब कुछ कड़ियों का संत है इसलिए कड़ी को छोड़कर के चेन नहीं हो सकता है। इसलिए बोलते हैं दृष्टान्ते दृष्टान्ते के च दृष्टान्त में हो चाहे दृष्टान्त में संतते जो संतति है एकस्य एक कोई एक एक विभाग भगवान एक तत्वते कोई एक संतति नामक कोई एक वस्तु अलग करके व्यक्ति व्यतिरेक है ना व्यक्ति से छोड़ करके असंभव होना संभव ही नहीं है। इसलिए माई बाप इसलिए ये तुमने कहा कि एक व्यक्ति जाति एक असंघर्ष आपका एक हेतु जाति एक फल जाति अथवा अंकुर जाति बीज जाति ये सब होना संभव नहीं है। तो दूसरे देश का मन में रखते बोलते हैं न एक तत्वते वहाँ पर जो है यहाँ भी 11 नंबर टिप्पणी देखे पड़े है ना कि जो होते हैं व्यक्ति इति संतति घटक और व्यक्ति है ना संतति मतलब धारा चेन की घटक मतलब एक एक अवयव एक चेन के लिए एक अवयव क्या होता है उसका जो एक एक कड़ी होती है ना छोटा छोटा छल्ला इसको बोलते हैं वो छल्ला क्या होता है चेन की एक अवयव होता है और उस अवयव को छोड़ करके चेन नामक कोई अलग वस्तु है नहीं जब तक प्रतीति तो होती है छल्ला समुदाय को लगा दिया तो चेन हम अलग करके बोल देते हैं। ये बोलते हैं यहाँ पे संतति घटक संतति को बनाने वाला अथवा तो उसका अवयव रूप जो व्यक्ति है संतति के अवयव रूप जो व्यक्ति है ना वो व्यक्ति भी अलग होता ही नहीं है उसको छोड़ करके संतति कुछ अलग होता ही नहीं है। व्यक्ति को छोड़ करके संतति कुछ अलग होता ही नहीं है। ये दृष्टांत तो अच्छा समझ में आता है पिता पुत्र में चेन में पिता पुत्र मतलब पिता पुत्र को छोड़ करके पिता पुत्र की संतति का अलग वस्तु है नहीं ठीक परंपरा बोलती थी न एकत्व अनुपत्ते एकत्व अनुपत्ति मतलब एक संतति नामक कोई अलग एक वस्तु मन युक्ति से सिद्ध ही नहीं होता। संतति नामक अलग कोई एक वस्तु युक्ति से सिद्ध ही नहीं होता उसी को समझा रहे तदेव प्रपंच यदि इसी को विस्तार से कहते हैं नहीं बीज अंकुर व्यतिरेक न बीज और अंकुर को छोड़ करके बीज अंकुर संतति नामक बीज अंकुर अंकुर की एक संतति नामक कोई एक अलग वस्तु है एक वो भी एक अलग वस्तु है नाम पूर्ण वो एक वस्तु अलग अभी माना नहीं जाता नहीं बीज अंकुर व्यति न अलग करने के क्योंकि बीज अंकुर व्यतिरेक न बीज अंकुर संतति नामक एक न अभ्युपगम बीज बीज अंकुर संतति नामक अलग एक वस्तु अकेला ऐसा कोई बात इन्हें नहीं माना न अभ्युपगम जैसा दृष्टान्त में नहीं घटता इसी प्रकार से हेतु फल संतति संघात और अदृष्ट को संतति में ऐसे समझना चाहिए इसलिए तब अनादित्यवादी अनादित्यवादी के द्वारा बोलने वाले का आप भी समझ ये नहीं मानते अथवा नहीं माना जा सकता अच्छा यहाँ पे देखिए तो ठीक है तब अनादित्यवादी भी मतलब ये हेतु ये संतति की अनादि है इस प्रकार बोलने वाले वादियों को तब अनादित्यवादी भी ताशु व्यक्तिशु मिथ हेतुत्तम अनादित्यम च तद वदनशीले इति यावत् है ना ये कहाँ पे आया तद अनादित्य वादी भी भाष्यकार की पंक्ति थर्ड लाइन में लेफ्ट हैंड कॉर्नर इसलिए उसी का अर्थ करते हैं तद अनादित्य वादी भी तद अनादित्य वादी भी मतलब वो अनादि है इस प्रकार बोलने वाले इसका अर्थ लिखते ताशु व्यक्तिशु है ना ताशु व्यक्तिशु ताशु क्या हो गया मतलब आपका जो है संतति रूपी जो व्यक्ति है ना व्यक्ति मिथ हेतुत्तम अनादित्यम च आपस में आप हेतुत्व भी बैठा होगा और अनादित्य भी बैठा होगा आपस में म्यूचुअल आपस में मिथ हेतुत्तम अनादित्यम च तत् वदनशील ही इस प्रकार बोलने वाला स्वभाव हो गया जिन लोगों के इति उन लोगों के द्वारा ये नहीं माना जा सकता इति जावत इसका नित्य था इति जावत का मतलब दिस इज द मीनिंग इंटेंडेड मीनिंग अथवा ऐसा ही है
अच्छा अन्योन्य आश्रयत्वात् एक फुट नोट था 12 नंबर व्यक्तिशु मतलब संतति आत्मिकाशु ठीक है ना संतान और संतति है ना व्यक्ति इसलिए बोलते व्यक्तिशु मतलब संतति आत्मिकाशु ये 12 नंबर व्यक्तिशु भी तो हेतुमत्व अनादित्व जो मतलब आपस में कौन बीज और अंकुर आपस में क्या है ये अनादि भी है और एक दूसरे के लिए कारण भी एक दूसरे अनादि भी है एक कार्यकरण का हेतु आपस में बोलते हैं मतलब एक दूसरे के लिए कारण मतलब कार्यकरण कार्यकर्ता इस प्रकार बोलना स्वभाव है जिन लोगों का वो लोग क्या है व्यक्ति को छोड़ करके संतति को अलग देखना चाहता है ये होना भी संभव नहीं है क्योंकि व्यक्ति का अस्तित्व है उसमें ये होना भी संभव नहीं है अनुन्न आश्रयत्व अनवस्थनाद वा हेतु फल मिथु हेतु फल भावस्व वक्तुम अशक्तत्व ये एक दूसरे के ऊपर आश्रित होने के कारण अनन्य आश्रयत्व मतलब हेतु फल के ऊपर आश्रित है और फल हेतु के ऊपर आश्रित है मतलब कार्यकरण संघात के ऊपर धर्माधर्म आश्रित है धर्माधर्म के ऊपर कार्यकरण संघात आश्रित है इसलिए अनन्य आश्रयत्व और अनवस्थनाच यदि मान लो किसी एक जगह में से आप लोग एक उत्पत्ति से तो उसके कहाँ से उत्पत्ति हुई उसके कहाँ से उत्पत्ति हुई इस प्रकार से यदि एक जगह पर रुक भी जाते हो परंतु वो व्यक्ति आया कहाँ से तब उसको बोले यहाँ से वो कहाँ से आया इस प्रकार से हम पूछते जाए तो अनवस्था दोष में आ जाएगा इसलिए पहले बोलकर अनवस्थनाथ वाह हेतु फलयोर मिथो हेतु और फल में मतलब धर्माधर्म और कार्यकरण संघर्ष आपस में हेतु फल भावस्व इसमें जो है कार्यकरण भाव बैठा हुआ है हेतु फल और मिथो कार्यकरण हेतु यहाँ पे देखिए हेतु फल और मिथो पहले हेतु फल कार्य हो गया अदृष्ट और कार्यकरण संघर्ष और दूसरे हेतु फल हो गया कार्यकरण भाव संघर्ष हो गया आपको होना वक्तुम अशक्त बोलना संभव नहीं है ठीक है अनन्य हेतु क्या दिया प्रतिज्ञा क्या हेतु फल योर मित्र हेतु फल मतलब अदृष्ट और कार्यकरण संघर्ष ये आपस में हेतु फल भाव मतलब कारण कार्य भाव हेतु फल कार्यकरण भावस्व वक्तुम अशक्तत्व बोलना संभव नहीं हो नहीं है क्यों नहीं है अनन्याश्रयत्व अनवस्थनत्व ये बोल नहीं सकता क्योंकि वह एक दूसरे 13 नंबर टिप्पणी में अनन्याश्रयत्व वहाँ पे क्या बोलते हैं 13 व्यक्तियों मिथ कार्य कारण भावे भूषण अहो है ना दो व्यक्ति में ए और बी व्यक्ति में आपस में कार्य कारण भाव होने पर क्या दोष है उसको कहते हैं अनन्याश्रयत्व मतलब ए बी के ऊपर आश्रित होकर के जीते बी ए के ऊपर आश्रित होकर के जीते तो अनन्याश्रय दोष है अच्छा संतान तथा ये दूषण यदि संतान को अनादि मानोगे तो अनावस्था दे संतान कहाँ से आया बोल नहीं पाओगे है ना अनावस्था दोष आ जाएगा कहाँ से शुरू ये अपने अनावस्था अनावस्था ना संतान है वो तथा यदि बीज बीजित तो जाति और अंकुरत तो जाति तो क्या हो जाएगा तो आपको अनावस्था दोष हो जाएगा कौन जाति पहले निर्णय नहीं कर पाओगे और ये यदि बोलो कि अपनी मान्यता देकर कि आप पूछेंगे ये कहाँ से आए अनादि अनावस्था दोष हो जाएगा मतलब व्यवस्था बना नहीं पाओगे अनावस्था मतलब व्यवस्था नहीं बन पाती बोलता अशक्त दृष्टांत द्राष्टांतिकयोर अनुपपत्ति सिद्धि सिद्ध इति उपसंहरति इस प्रकार से दृष्टांत और द्राष्टांतिकयोर दृष्टांत हो गया बीजांकुर और दृष्टांत हो गया कि हेतु और फल मतलब संघात और अदृष्ट और संघात दृष्टांत अनुपपत्ति दोनों में कार्यकरण भाव होना संभव ही सिद्ध होने पर आप इसको उपसंहार करते हैं ठीक है ना अनुपपत्ति अनुपपत्ति मतलब अनादि तस्य हेतुफल भाव है तो अनादि है और यहाँ पे कार्यकरण भाव है ठीक है ये असिद्ध सिद्ध नहीं होता अनुपपत्ति मतलब अनादित्वस्य ये अनादि है और क्या है हेतुफल भावस्य और उसमें जो कार्यकरण भाव है ये दोनों ही होना संभव नहीं ये यहाँ पे बोलते हैं इसलिए कि दृष्टांतो द्राष्टा दृष्टांत हो गया बीजांकुर न्याय बीजांकुर न्याय को आप अनादि भी नहीं बोल सकते हो और यहाँ पे हेतुफल भाव भी सिद्ध नहीं कर सकते ठीक उसी प्रकार अदृष्ट और कार्यकरण संघात अदृष्ट हो गया आपका धर्माधर्म कार्यकरण संघात में आपस में लिखकर तो अनन्याश्रय दोष भी है इसी यहाँ पे बोलते हैं अनादित्व आप नहीं कह सकते आपको आदि सत्ता दिखाई दे रहे संघात की उत्पत्ति हुए दिखाई देती है धर्माधर्म का उत्पत्ति अनुष्ठान करके उत्पन्न करते हैं उसको दिखाई देते हैं ऐसा बोलते हैं इसमें अनादित्व वहाँ नहीं बैठ सकता दूसरी क्या है हेतु फल भाव सच और मतलब अदृष्ट के लिए उत्पन्न करने वाला कौन हो जाएगा अदृष्ट उत्पन्न करने वाला हो जाएगा संघात और संघात उत्पन्न वाला कौन हो जाएगा अदृष्ट धर्माधर्म उसके एक शब्द होगा अदृष्ट इति शेष इसको अंदर आगे बचा
तस्मात इसलिए सूक्तम, इसलिए मांडुक कारिका कार्य द्वारा जो कहा गया है उस ठीक कहा गया। हेतु फल स्वचानादित्तम कथम तेरुपवर्णते, ये कैसे लोग बोल सकते हैं। अच्छा, दृष्टान्तस्य असंप्रतिपन्नत्वे स्थिते कार्य कारणत्वस्य क्वचित् अपि संप्रतिपत्ति अभावात्, इसलिए मतलब सूक्तम बोल रहे ना तो कैसे टीका का समझा रहे भाष्य करते बोले तो अच्छा ठीक बोला उसने, तो क्यों ठीक बोला टीका का क्यों ठीक बोला। दृष्टान्तस्य असंप्रतिपन्नत्वे स्थिते, जिस दृष्टान्त के द्वारा आप कार्यकरण भाग को सिद्ध करना चाहते थे ठीक है ना, वो दृष्टान्त सिद्ध नहीं है, इसीलिए हमें बोलता है दृष्टान्तस्य असंप्रतिपन्नत्वे स्थिते, मतलब उभय हमारे सम्मति नहीं है इस प्रकार के सिद्ध होने पर। कार्यकारणत्वस्य क्वचिदपि संप्रतिपत्ति अभाव, कार्यकारण भाव जो है कहीं भी होना संभव नहीं, कार्यकारण भाव नहीं, कार्यकारणत्वस्य क्वचिदपि किसी भी स्थान पर ना सृष्टि में मतलब संघात में ना अदृष्ट में क्वचिदपि संप्रतिपत्ति मतलब हमारा मान्यता नहीं है अभाव, क्योंकि वो नहीं होने के कारण उत्पत्ति सिद्धि नहीं होता। इसलिए पुत्रात जन्म पितुर्यथा इत्यादि न छलम प्रयुक्त, इसलिए जो हमने आपको कहा था इत्यादि से क्या लेंगे विषाणुवत और जब भी फल उत्पन्न मान सन्नत हेतु भविष्य, इस प्रकार जो हमने दिखाया था ये कोई आपको छल करके नहीं बोला यथा तो कहा गया, इसलिए बोलता है वो यहाँ पे पुत्रा जन्म पितुर्यथा इत्यादि आदि से बाकी दोनों को लेना, मतलब 16 और 17 में जो है तीन वहाँ पे छल करके वो लोग बोल रहे 15, 16 और 17 तीनों के यहाँ पर आदि से ग्रहण हो जाएगा। बोलते हैं यहाँ पे पितृजते न छल प्रयुक्त तथा छल प्रयुक्त नहीं कहा गया है यहाँ पे, तथा चन्नदपि अनुपत्ति न छल विद्या, दूसरे प्रकार से भी युक्ति संगत नहीं होता अन्नदपि अनुपत्ति ठीक है ना। वहाँ पे क्या टिप्पणी था 5, 6 और 7 जैसा हमने आप एक प्रकार से कहा आपने दूसरे प्रकार से कहा ठीक है ना, हमने कहा बीज और उनको मैं भूल गए, आपने क्या बोला नहीं इस ए बीज के लिए भी कारण है तो क्या हो जाएगा कि उस बी से ए की उत्पत्ति के अंदर ये कहा था, आपके अभिमत में हो चाहे हमारा अभिमत में दोनों प्रकार से अन्य प्रकार भिन्न से अनुपत्ति सिद्ध नहीं होने के कारण ये हमने छल नहीं कहा, ये हमने यथार्थ तो कहा आपसे ये अभिमत है। अब एवं श्लोकस्य पूर्वार्थम व्याख्याय, इस प्रकार से श्लोक की पूर्वार्थ क्या है बीजापुर आपका दृष्टान्त सदा साध समय सा, ये जो है पहला लाइन होता है। अब जो है नहीं साध समय तो सिद्धो साध सेकेंड लाइन है, इसे बोलते हैं एवं इस प्रकार से श्लोकस्य श्लोक का पूर्वार्थम व्याख्याय, पहला आधा भाग को व्याख्या करके उत्तरार्थम व्याचस्ट, अब आगे आधा भाग को व्याख्या करते हैं तो क्या बोलते हैं न च लोके साध सम हेतु साध सिद्ध सिद्धि निमित्त, साध सिद्ध यहाँ पे देखिए ना साध सिद्ध आपका साध से सिद्ध मूल में देखिए क्या है साध से सिद्ध रुच्यते मूल में है ना साध से सिद्ध षष्ठ तत्व, अब यहाँ पे समस्त पद करके साध सिद्ध ये समस्त पद हो गया षष्ठी तत्व पूरी समझ आते साध सिद्ध का अर्थ क्या करते हैं सिद्धि निमित्त। न च लोके साध सम हेतु है ना साध सम हेतु साध से सिद्ध युज्यते साध से सिद्ध का एक पद का के समास पद का क्या साध सिद्ध इसका अर्थ मतलब हो गया सिद्धि निमित्तम अविष्ट वस्तु की सिद्धि निमित्त में प्रयोग किया नहीं जाता इन लोगों के द्वारा प्रमाण कुशल ही है ना दार्शनिक परंतु ये बताइए वहाँ पे तो लिखा हुआ है हेतु आपको उसका अर्थ दृष्टान्त कैसे करें इसलिए यहाँ पे बोलते हैं किमिति हेतु शब्द से मुख्य अर्थम त्यक्त्वा गौण अर्थम गृह्यते, अब ये बताओ हेतु शब्द का अर्थ होता है प्रयोजक, 16 नंबर बोलते हैं मुख्य अर्थम प्रयोजक रूप मतलब जिसके लिए जो कारण मतलब प्रयोजक इसके लिए ये हेतु है इसके लिए प्रयोजक है ये, तो इस प्रकार हेतु शब्द का अर्थ तो प्रयोजक धर्म वाला होता है उसको छोड़ करके आपने दृष्टान्त कैसे ले लिया कि मैं तो हेतु शब्द से मुख्य अर्थ त्यक्त्वा मुख्य अर्थ को छोड़ करके गौण अर्थ भी गौण अर्थ के क्यों ग्रहण किया यहाँ पे क्या अर्थ में हेतु अर्थ का शब्द होता है कारण, अरे अपने यहाँ पे हेतु अर्थ का शब्द क्या कर दिया अर्थ दृष्टान्त, तो ये मुख्य अर्थ को छोड़ करके दृष्टान्त अर्थ गौण अर्थ क्यों लिया गौण अर्थ का तो भी जाते तब क्या होता है कि भगवान भाषा प्रकरण सामर्थ्यादि क्योंकि शुरू कैसे किया था बीजापुर आपको दृष्टांत
ये प्रकरण है, मतलब जिसको लेकर के विचार शुरू किया था कि ये दृष्टांत को आप समझाएंगे दृष्टांत के माध्यम से, वो दृष्टांत होने का 10 नंबर टिप्पणी में बोल रहे हैं प्रकरण सामर्थ्य प्रकरण निष्ठ तात्पर्य निर्णय अनुकूल सत्य रीति अर्थ, उस प्रकरण में जो निष्ठा है प्रकरण जिस विषय में प्रकरण मतलब उभय आकांक्षा प्रकरण मतलब एक जगह पे जो है जैसे एक प्रकरण में आप उस जाप के बारे में विधान किया कि आगे उस जाप को करने के लिए आगे कुछ और भी कथन है, परंतु वो कथन वो किस जात में प्रयोग है उस जात को, जैसे हमने बोला 10 गुणों में जाप करो तो मन में क्या जाता है कि जाप को कैसे करें, अब उस जाप को पूर्ति करने के लिए आगे कहीं पे कहते हैं अनुजात प्रयास के माध्यम से जाप करो, अथवा अग्नि के घी के द्वारा जाप करो, तो क्या होता है ये जो 10 गुणों में जाप कथन को पूर्ति करने के लिए आपको आगे किस समय करना है कैसे करना है उसका वर्णन आता है। अब ये वर्णन अब वहाँ पे क्या है, ये जो वर्णन किया गया ये कहाँ पे काम में आए, ये बोल रहे जाग कर तो कहाँ करे कब करे, तब बोलते 10 गुणों में पूर्णिमा और अमावस्या को करो, तो इधर बोला कि पूर्णिमा अमावस्या को जाग करो और उधर बोला कि घी आहुति दो, यानी कि घी आहुति कब दे वो अपेक्षा रखता है पूर्णिमा अमावस्या की, और पूर्णिमा अमावस्या अपेक्षा रखते हैं कैसे आहुति दे जब करे, ये उभय आकांक्षा तब मिल करके 10 गुणों में आकांक्षा उभय आकांक्षा प्रकरण, इसको जो जब दोनों की आकांक्षा होती है उसको प्रकरण बोलते हैं। तब यहाँ पे जो है आपको साध्य को सिद्ध करने के लिए हेतु और दृष्टांत की अपेक्षा होती है ना, तो दृष्टांत तो किसी को सिद्ध की अपेक्षा रखते हैं और जिसको सिद्ध करना चाहते हो अपनी दृष्टांत की अपेक्षा रखते हैं। हमने एक दृष्टांत बोला जैसे वो करता तो आपका मन में ये क्यों बोल रहे हैं किसको किसको दिखाने के लिए है कि नहीं, किसको समझाने के लिए उसने ऐसा किया तो किसको समझाने के लिए बोले, अब देखो वहाँ पर जो है ऐसा हो रहा है वहाँ पे इस प्रकार से भी उभय आकांक्षा होती है उस प्रकरण में प्रकरण सामर्थ्य। यहाँ पे देखिए बोलते हैं प्रकरण निष्ठ, इसी एक प्रकरण में जैसे जिसको बोलने का प्रतिज्ञा किया उस प्रकार उसकी तात्पर्य निर्णय, तात्पर्य निर्णय क्या लिंग होता है ऊपर को शंकर सब तात्पर्य छह लिंग है, इसलिए आप एक प्रकरण निष्ठ तात्पर्य निर्णय अनुकूल शक्ति, तो तात्पर्य निर्णय का अनुकूल जो शक्ति वित्तीय शास्त्र नहीं तो उसके अंदर बोलते हैं प्रकरण सामर्थ्य, इस प्रकरण के सामर्थ्य से यदि अर्थ ये अहम, यहाँ प्रकरण क्या है क्योंकि आपका पहले रंग में क्या बोल करके आया आपने अपनी प्रतिज्ञा की कि यहाँ पे दोनों अनादि है और अनादि तक को समझाने के लिए आपने दृष्टांत तो बीजांकुर को दिया, तो बीजांकुर दृष्टांत है हेतु नहीं है बीजा, इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट सेकेंड लाइन में जो हेतु आया उसको दृष्टांत अर्थ करना पड़ेगा। प्रकृत ही दृष्टांत न हेतु, अष्टकार क्या यहाँ पे मांडुकारी का क्या बोला किसको लेकर के प्रतिज्ञा की थी, प्रकृति मतलब किसको विचार करेगा दृष्टांत को, बीजापुर आपको दृष्टांत, इसलिए बोलते हैं प्रकृत ही दृष्टांत न हेतु, बीजापुर हेतु नहीं है वो दृष्टांत है, जैसा बीजापुर जैसे होता है हेतु फल भाव अनुपत्ति उपपादित उपसंहरित शब्द, वहाँ पे दृष्टांत न हेतु इति इति पद आया हुआ है भाष्य में, इति पद आया इति पद क्यों दिया भगवान भाष्य का बोलता है हेतु फल भाव, इस प्रकार से जो कार्यकरण भाव हम देखते हैं ना कार्यकरण भाव होना संभव है, हेतु फल भाव अनुपत्ति उपपादिता जो यहाँ पे युक्तिपूर्वक सिद्ध करके दिखाया गया उसको जब उपसंहर तो अब उसको उपसंहार करने के लिए इति शब्द प्रयोग किया, इति शब्द प्रयोग किया है ना, आप इसको उपसंहार कर रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा आपने हेतु और फल दोनों को सिद्ध नहीं कर पाए, इससे क्या सिद्ध हो जाए जन्म होना संभव नहीं, ये सिद्ध इसलिए बोलते हैं हेतु फल भाव अनुपत्ति, हेतु और फल भाव कार्यकारण भाव अथवा अदृष्ट और संघात की जो है आपस में जो है कार्यकारण और संबंध ये युक्ति संगत नहीं हो सकता है, इसको युक्ति के द्वारा सिद्ध करके अब उसका उपसंहार करने के लिए अब हम आगे इसको उपसंहार करने के लिए उसी यहाँ पे इति शब्द प्रयोग किया, हेतु इति है ना प्रतीत है दृष्टांत न हेतु इति, क्योंकि विचार किसको लेकर चल रहे हैं दृष्टांत को लेकर हेतु को लेकर के नहीं, इस प्रकार से ये पूरा हो रहा है आज कौन सा करके पहला वाला
अजम योगम प्रापदैश्वर्य योगात् अगतिमत्तां प्रापदेकं हि अनेकम् विविध विषय धर्म ग्राहि उद्देशनानां प्रणत भय विहन्ति ब्रह्मयत्तन्नतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं सूत्रभाष्यन्दे भगवन्तो पुनः ईश्वरो।